नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आशिफ इकबाल। आज फिर हम एक बड़े मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर उन मुद्दों पर किस तरीके से पूरा देश सोचता है। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोरदार जीत दर्ज कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां सर्दी का मौसम है, लेकिन सियासी गलियारों में तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए कि पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले जीत दर्ज कर एक तरह से बढ़त बनाने की जुगत में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 23 में 5 राज्यों की चुनावी जीत की धार क्या 24 में बना पाएगी केंद्र में सरकार? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव में 6 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोरदार जीत दर्ज कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां सर्दी का मौसम है, लेकिन सियासी गलियारों में तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले जीत दर्ज कर एक तरफ से बढ़त बनाने की जुगत में हैं। राजस्थान की बात की जाए तो विधानसभा सीट राजस्थान में 200 हैं और लोकसभा की सीटें 25 हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां 230 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा की और 13 सीटें लोकसभा की। तेलंगाना की बात की जाए तो यहां 119 विधानसभा सीटें हैं और 19 लोकसभा सीटें। मिजोरम की बात की जाए तो यहां पे विधानसभा सीटों की गिनती 40 है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। कुल विधानसभा सीटें 679 हैं और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये 87। मध्य प्रदेश की बात करें तो सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी के पास जहां 24 के चुनाव से पहले सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस 3.5 साल बाद सत्ता में वापसी की जुगत में है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार एमपी में बीजेपी की विदाई हो जाएगी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे, ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या, अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। मध्य प्रदेश
हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपिसेंटर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। 4 सीट्स पर निर्दलीय विधायकों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन कोई भी दल पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। ऐसे में दूसरे दल और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन में 15 साल बाद सरकार बनाई थी। महज 15 महीनों में कमलनाथ की सरकार चली गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती थी, लेकिन यहां बीजेपी ने 28 में से 27 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को कुल 58% वोट मिले थे। कांग्रेस को कुल वोटों का 34.5% वोट मिला था। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी जीत दर्ज कराने के लिए जोरदार आजमाइश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से देश की फिजाओं में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 2024 की राह कुछ आसान हो सके। इसलिए एमपी का चुनाव इस बार काफी रोचक हो चला है। राजस्थान में 30 सालों से हर 5 सालों में विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। बीते 5 सालों से राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस काबिज है। 2024 के चुनाव से पहले 25 लोकसभा और विधानसभा में 200 सीटों वाले राजस्थान का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सत्ता में वापसी की, जबकि बीजेपी 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीएसपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 13 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं अन्य दलों की झोली में 8 सीटें गई थी। कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव प्रचार में स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व को लगातार लैंड कर रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत राजस्थान मॉडल का देश भर में तारीफ बटोरने का दावा ठोक रहे हैं। हमारे फैसले ऐतिहासिक हैं। वो तमाम फैसले जो हैं वो मोदी जी को चाहिए कि वो स्टडी करवाए राजस्थान को। वो मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे, उस गुजरात मॉडल को हमारे मॉडल से कंपेयर करें, फिर अपने आत्मा को पूछे कि मेरे मॉडल में अशोक गहलोत के मॉडल में कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क है, क्या अच्छी बातें वो अपनाएं और जो अच्छी बातें उनकी थी हमारे पास नहीं है वो हमें देवे, हम अपना लेंगे। यहाँ पर हमें तो कोई अहम घमंड नहीं उनकी तरह, क्या दिक्कत है हमें। हम तो विश्वास करते हैं, क्या मतलब एक एक पल जिंदगी का, अगर हमें चांस दिया प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, जिंदगी के एक एक पल गरीब के लिए आम आदमी के लिए बिताएं, अच्छे फैसले करें, रास्ते में विकास हो, ये हमारा सपना है। राजस्थान विधानसभा में अब नए नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। राज्य में अभी तो कांग्रेस की सरकार है जो अपने किए गए विकास कामों के बलबूते वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी के केंद्र में काम और चेहरे पर राजस्थान में बदलाव का दम भर रही है। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं,
लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, जिसमें से 24 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीजेपी की सहयोगी ने जीत दर्ज की। 6 महीने पहले सरकार बनाने वाली कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ना सिर्फ विधानसभा में बीजेपी को पटखनी देने की होगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 के प्रदर्शन को बदलने की भी होगी। वहीं बीजेपी इस बार ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है, बल्कि 2024 के चुनाव से पहले तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, जिससे वो राजस्थान में रिवाज बरकरार रख सके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दंगल में एक से बढ़कर एक दाव खेले जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। एक ओर बीजेपी कांग्रेस पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस बेस सरकार के काम की वाहवाही करते नहीं थक रही है। प्रियंका गांधी ने बघेल सरकार की तारीफ में ये तक कह दिया कि देश में गुजरात मॉडल की नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। आज की राजनीति अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि यह बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशो भूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए, 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, ये जवाब नहीं दे सकते। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां सरकार बनाने का दावा ठोक रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं कांग्रेस ने 3/4 बहुमत से जोरदार जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने सूबे के 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2018 के रण में जेसीसी के खाते में 5 सीटें आई थी, तो वहीं बीएसपी ने 2 सीटों पर फतह हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में पटखनी खाने के बाद बीजेपी ने लोकसभा में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सूबे के 11 सीटों में से 9 सीटों पर कमल खिलाया, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आई थी। बीजेपी को 50.7% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस पर 40.91% लोगों ने अपना भरोसा जताया था। छत्तीसगढ़ के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजे से यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़िया जनता दोनों चुनावों में अपनी वरीयता तय रखती है।
अब देखना होगा कि इस साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 के आम चुनाव पर कितना प्रभाव डालते हैं। लेकिन 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों में कोई भी पार्टी किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। 2024 के चुनाव से पहले दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। वहीं बीआरएस भी पूरा जोर लगा रही है। तेलंगाना के गठन से ही वहां बीआरएस और केसीआर का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार दो दो मोर्चे पर बीआरएस को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं और लोकसभा से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। एक तरफ हमारी विचारधारा जो देश को जोड़ रही है और दूसरी तरफ नफरत और हिंसा की विचारधारा, और पूरे देश ने भारत जोड़ो का समर्थन किया, पूरे देश ने भारत जोड़ो का समर्थन किया और कहा कि हम देश में नफरत को हिंसा को नहीं फैलने देंगे। मुश्किल समय में अपनी विचारधाराओं को नहीं छोड़े। टीआरएस ने आप पे आक्रमण किया मगर आप पीछे नहीं हटे, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना एक सपना था, गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना, और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए, भैया बात करो, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की पूरी मदद की। जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का सपना देख रही है। केसीआर और ओवीसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना को भगवा रंग में रंगने की कवायद की जा रही है। दक्षिण में तेलंगाना में जीत के जरिए अपना दुर्ग मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं, वहीं 19 लोकसभा की सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर की टीआरएस ने 28 सीटें जीतकर जोरदार जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 19 सीटों पर परचम लहराया था। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी, अन्य के खातों में 5 सीटें गई थी। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं लोकसभा की बात करें तो इन राज्यों में 87 सीटें, मतलब विधानसभा के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए भी ताना बाना बुना जा रहा है। 87 सीटों के लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। खैर, ये तो 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी की मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला। मतलब 2023 के चुनावी जीत की धार क्या 2024 में बना पाएगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हमने आपको दिखाया विस्तार से किस तरीके से 5 राज्यों का चुनावी दंगल कितना एक दूसरे को शह और मात देने का खेल चल रहा है। लेकिन हमने ये भी बताया कि इस जीत हार से ज्यादा आगे की चर्चा पर चर्चा होनी है, क्योंकि ये जीत और हार तय करेगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। सेमीफाइनल जो जीतेगा वो फाइनल में बढ़त के साथ अपनी टीम को लेकर उतरेगा, ये तय है। इसलिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां
पल पल की जानकारी इकट्ठा कर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि 23 में कौन सिकंदर होगा जो 24 में अपनी धार के साथ अपनी टीम के साथ उतरेगा और वो जंग जीतने में बढ़त बनाएगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। शुक्रिया। Oh, 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 oh